गाइस बेसिकली यार अब आपने ना वीडियो के स्टार्टिंग में देख के समझ गए होंगे कि भाई एएमडी क्या कर चुका है। अब भाई एएमडी ने जो है अपना हुकुम केक के जो कार्ड से दोनों फेंक दिए। बेसिकली यार एएमडी ने जो है यहाँ पे आपके मतलब नए ग्राफिक्स कार्ड आरएक्स 7900 एक्सटीएक्स और आरएक्स 7900 एक्सटी को लॉन्च कर दिया है। और भाई लॉन्च करने के बाद अब मैं तुम्हें क्या बताऊं भाई, आई एम रियली सरप्राइज फ्रॉम साइड ऑफ एएमडी। इतना इम्प्रूव किया लास्ट जनरेशन से, क्योंकि यार ऑब्वियस था, क्योंकि जो एनवीडिया ने जो अपना गेम खेला था ना आरटीएक्स 4000 सीरीज का, वो भाई एक बहुत ही तगड़ा लीप था। और यार एएमडी को मैंने सोचा कि चलो उसके आसपास तो जा पाएगा, बट ना अब ये लग रहा है कि भाई एनवीडिया के फाड़ के रख दिए भाई एएमडी ने। जो 7900 एक्सटी एक्स निकाला है और जो फीचर्स तुम्हें एएमडी ने दिए ना, और जिस प्राइस के अंदर भाई अनबीटेबल दिए हुए हैं। आई एम वेटिंग कि यार वो कार्ड लोगों के हाथ में आए, लोग रिव्यूज़ दें, कोई खरीदे, और ताकि हम भी तो देखें और आपको बताएं कि भाई वो कार्ड कितना केपेबल है भाई 7900 एक्सटी एक्स। प्राइसिंग तो वैसे उस कार्ड की कम है ही है। वेल सो गाइस, इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि यार मेरा नाम है चेतन नामा और आप सब देख रहे हैं टेक्नोलॉजी डॉट चैनल, जहाँ पर हम बात करते हैं पीसी रिलेटेड कंटेंट्स एंड गेमिंग की। अगर आपका इंटरेस्ट हो पीसी रिलेटेड कंटेंट्स एंड गेमिंग में, तो मेरे चैनल को देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस आफ्टर अ शॉर्ट इंट्रो वी विल बी राइट बैक। बेसिकली यार वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अगर तुम सबका इंटरेस्ट है प्रीबिल्ड पीसीज में, तो यार तुम जगह चेकआउट कर सकते हो andpcs.com, जहाँ पे जो है तुम्हें बेस्ट प्रीबिल्ड पीसीज के डील्स देखने को मिल जाएंगे। यार डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, नीचे जाओ, चेकआउट करो, कूपन कोड अप्लाई करो और प्रीबिल्ड पीसी खरीदो। अब हम आते हैं एनवीडिया पे। तो यार देखो, काफ़ी टाइम से मेरी नज़र थी कि भाई 7000 सीरीज, आरएक्स 7000 सीरीज के बहुत सारे र्यूमर्स आ रहे थे, काफ़ी सारी चीज़ें आ रही थी। बट यार यही सोचा था कि यार एनवीडिया जो है काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुका है, लेट्स सी क्या होता है। बट भाई एएमडी ने ना पूरा गेम बदल के रख दिया। अब हम बात करते हैं 7000 सीरीज के बारे में। देखो सबसे पहले तो न्यू चिपलेट डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं। तो यार सबसे पहले हमारे लीसा सु आती है, डाई बताती है और मैं हो जाता हूँ शॉक, क्योंकि भाई पूरा ही जो है फाउंडर्स एडिशन इन्होंने रीडिज़ाइन किया है, डाइस रीडिज़ाइन किए, उसके बाद पावर कंजप्शन कम किया है इन्होंने, एमसीडी और जीसीडी का जो है नया सिस्टम चालू किया। तो मैं बता देता हूँ, बेसिकली सबसे पहले तो एक ही डाई हुआ करती थी जीसीडी नाम की, जिससे जो है तुम्हारे ग्राफिक्स, तुम्हारा जो प्रोसेसर होता था उसको जो है वीआरएम तक जाना पड़ता था ट्रैवलिंग में, तो थोड़ा लेटेंसी बन जाता था। अब इन्होंने क्या किया है, मेमोरी कैच डाई एंड ग्राफिक्स कैच डाई, दोनों डाइस अलग अलग डालिए तुम्हारे बीच में, तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा जैसे कि बीच में तुम्हारा ग्राफिक्स डाई है और साइड पे जो है मेमोरी डाइस है। तो भाई उन्हें वीरैम तक जाने की ज़रूरत नहीं है, वो एमसीडी से ही जो है तुम्हारा डाटा फेचिंग फास्ट हो जाएगा। इस डेटा फेचिंग फास्ट होने की वजह से जो है तुम्हारा इन्फिनिटी कैच ओरिजिनल वाला जो फास्ट परफॉर्मेंस है ना, वो तुम्हें अब देखने को मिलेगा एएमडी में, ठीक है। तो भाई डाइस का तो इन्होंने चेंज कर ही दिया, 5 नैनोमीटर की तुम्हारे जीसीडी और 6 नैनोमीटर की तुम्हारे एमसीडी डाइस जो है इन वाले जीपीएस में तुम्हें देखने को मिलेगी। कंपेरेबल टू 6950 एक्सटी ये वाले कार्ड जो है अप टू 50% फास्ट होने वाला है, 54% फास्ट। मेमोरी इंटरफेस जो है वो तुम्हारा 356 बिट का हो चुका है भाई अब, जो कि बहुत ही इनसेन है। 24GB GDDR6 की मेमोरी के साथ आएगा भाई, सारे ही लेटेस्ट फीचर्स के साथ, ठीक है। अब भाई एनवीडिया और 7900 XTX जो है 4090 के बारे में अलग वीडियो बनाऊंगा, बट तुम्हें कुछ मोटा मोटा बता दूं कि भाई एएमडी ने जो है तुम्हारा वर्ल्ड्स फर्स्ट डिस्प्ले पोर्ट 2.1 इन ए ग्राफिक्स कार्ड विथ 8K 165Hz एनेबल, 4K 480Hz एनेबल जो है भाई तुम्हें FPS निकाल के देगा। एनवीडिया ने तुम्हारा 4090 निकाला, बट तुम्हारा 4K 120Hz से तुम्हारा डिस्प्ले सपोर्ट करता है, उसका पोर्ट डिस्प्ले पोर्ट 1.4, ठीक है। तो तुम इतने FPS का करोगे क्या, जब तुम्हारा पोर्ट ही इतने FPS डिलीवर नहीं कर सकता, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका एडवांटेज है, उसके बाद नई डाइस का और पावर का एडवांटेज है भाई। एनवीडिया का कार्ड लाइक यू से 4090 इज पावर हंग्री और ये पावर हंग्री कम है। 355 वॉट तुम्हारा 6950 XT के जितनी पावर में जो है तुम्हें, उससे 50% ज़्यादा परफॉर्मेंस जो है तुम्हें 7900 XTX में मिलने वाली है। तो भाई मज़े की बात, बहुत ज़्यादा मज़े की बात है बेसिकली, क्योंकि हम सब सोच रहे थे कि यार AMD जो है इतना पास कंप्लीट नहीं कर पाएगा, बट जो है काफ़ी सारे फीचर्स तुम्हें स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे। लीसा सु आई, उसके बाद तुम्हारे 2-3 और जो है पार्टनर्स, बोर्ड पार्टनर्स आए, बेसिकली इन्होंने अनरियल इंजन लेके और उसके बाद जो नए नए इंजनस है उनके ऊपर भी काम किया। उसके बाद जो तुम्हारे कंप्यूटर यूनिट्स है, कंप्यूटर यूनिट्स का भी अमाउंट बढ़ा दिया, रे ट्रेसिंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट रे ट्रेसिंग है। अब तुम बोल सकते हो कि भाई एनवीडिया के रे ट्रेसिंग और AMD के रे ट्रेसिंग के बीच में फ़र्क नहीं है भाई, दोनों ही बहुत ही स्टेबलाइज रे ट्रेसिंग है। अगर तुम
साल भर पहले पूछते तो आई वुड लाइक टू से कि एनवीडिया की तरफ जाओ फॉर रे ट्रेसिंग कार्ड्स, बट अब वो नहीं रहा है, अब वो भी डिफरेंस जीरो हो चुका है। तो आप इजीली आंख बंद करके दोनों में से कोई सा भी कार्ड ले सकते हो। रे ट्रेसिंग का सपोर्ट दोनों में ही बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। इफ़ यू आर अ गेम डिजाइनर और अगर आप कॉन्टेंट क्रिएटर हो तो तुम्हारे लिए स्पेशल एक नया वीडियो एनकोडर मिल रहा है 8K अलग मतलब हार्डवेयर, क्योंकि भाई जिसमें AMD हमेशा से पीछे रहता था। तो बेसिकली AMD ने जो है काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें और काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर लिया अपने कार्ड्स में, और बेसिकली प्राइस रखा है $900 फॉर लाइक तुम्हारा 1700XT और शायद $1000 फॉर 1700XTX, बाकी तुम्हारा 1490 का प्राइस तुम्हारा $1600 है फॉर लाइक अ बिगर वेरिएंट, एंड लाइक अ स्मॉलर वेरिएंट इट्स अराउंड लाइक $1200। तो भाई तुम देख सकते हो भाई प्राइस का भी कितना फ़र्क है, अप टू $500 प्राइस का फ़र्क है, और तुम्हारे परफॉर्मेंस में जो है एटलीस्ट 5-10% का फ़र्क है, वो भी ऑन स्क्रीन दिखा है स्लाइड्स पे। ठीक है, फिजिकली टेस्ट करके प्रैक्टिकली नहीं पता है, पेपर्स बोल रहे प्रैक्टिकली अगर ज़्यादा हुआ ना भाई तो एनवीडिया ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बेसिकली AMD ने जो प्राइसिंग रखी है और अपने कार्ड को जिस हिसाब से पूरा चेंज किया ना भाई, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। देखो यार, बेसिकली ये सब बड़े लोगों वाली बातें, जैसे कि यार जो रखते हैं कि भाई हम 2-2 लाख के कार्ड्स ले सकते हैं, 1.5-1.5 लाख के कार्ड्स ले सकते हैं, बाकी बेसिकली यार हम तो ठहरे बजट लेवल्स। ठीक है, जो कि भाई वेट करेंगे कि भाई तुम्हारे बजट कार्ड्स कब आएंगे, लाइक 7600XT जैसे कार्ड्स कब आएंगे या फिर 7400XT जैसे कार्ड्स कब आएंगे भाई 20-25 हज़ार के प्राइस रेंज में। तो यार देखो वो अभी आएंगे, उसके लिए टाइम है, बट अभी के लिए बजट कार्ड्स में तुम्हारा तो एनवीडिया ही रूल कर रहा है, क्योंकि कोई कार्ड है नहीं बजट में ज़्यादा AMD के पास भी, और एनवीडिया के पास भी है नहीं। एक दो कार्ड्स है 3050 और तुम्हारे जो 6050XT है वो बिकते हैं, तो बाकी बात अलग है। बजट कार्ड्स के बारे में बात करेंगे, बहुत ज़्यादा दिन हो गए उसके बारे में बात किए हुए। वेल सर गाइस, तुम्हारे क्या व्यूज है RTX 7000 सीरीज़ के लॉन्च के बारे में? गाइस आई एम वेरी हैप्पी फ्रॉम द साइड ऑफ AMD कि उन्होंने इतनी अच्छी कम्पीट की है एनवीडिया को, और भाई दोनों जने भाई एक दूसरे से कम्पीट करो, मज़ा कंज्यूमर्स को आ रहा है, क्योंकि इफ़ दे विल नॉट गिव अस दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी ना, तो हम भाई आज भी 1080p पे गेमिंग कर रहे होते। ठीक है, ये जो इन्होंने लड़के जो 8K पे गए ना 165Hz के लिए, भाई गेमिंग का जो स्टैंडर्ड है वो नेक्स्ट लेवल होने वाला है। वेल सर गाइस, तुम्हारे क्या व्यूज है यार AMD और NVIDIA के बारे में, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और वेल सर गाइस, होप आपको आज का वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक करें, नहीं हो तो आप लोग सब्सक्राइब करें। अगले ऐसे वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।